शांति ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में हम अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमने यहां तक देखा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ये महायुद्ध हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंख नाद गूंज उठा है, युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा जाता है, अर्थात संघर्ष से समाधान की ओर ले जाने वाला शास्त्र। आज हर इंसान को अगर देखा जाता है तो हर इंसान कोई ना कोई प्रकार के संघर्ष में जी रहा है, क्योंकि चैलेंजेस इतनी अधिक है और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कभी कभी जो आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, उस कारण से स्वयं में अविश्वास पैदा होने लगता है। तो ये कहानी है अविश्वास से विश्वास की ओर जाने की। अर्जुन का भी विश्वास डगमगा गया और भगवान उसको मोटिवेट करते हुए उसके आत्मविश्वास को जागृत करता है। इसीलिए कहा कि ये विषाद से विवेक की ओर ले जाने वाली कथा है या ज्ञान है, कि जिस ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने विवेक शक्ति को जगाएं, हर बात को अच्छी तरह से समझें, अपने आत्मविश्वास को जगाएं और जीवन के संघर्षों में समाधान को प्राप्त करें। जब कुछ समय पहले मैं कुरुक्षेत्र गई थी तो कुरुक्षेत्र के अंदर कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद मुझे कहा चलो आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाया जाए। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। बड़ा आश्चर्य लगा, कुरुक्षेत्र नहीं था तो क्या था, क्योंकि मन में तो यही था कि भाई ये तो बहुत, जब गीता ज्ञान दिया गया कुरुक्षेत्र के मैदान में तो तब से लेकर के ही कुरुक्षेत्र का ये नाम पड़ा होगा, लेकिन नहीं। कहा कुरुक्षेत्र उस समय थानेसर के नाम से जाना जाता था और 1947 में
एक कलेक्टर वहां आए, जिनने जिसके मन में ये विचार आया कि इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध यहां हुआ और उसका नामो निशान नहीं। तो उसने जो है उस समय उस नाम को चेंज किया, थानेसर से कुरुक्षेत्र नाम रखा। और थानेसर नाम भी इसीलिए शायद था क्योंकि भारत में अक्सर जो गांव के नाम है वो वहां के शिव मंदिरों से पड़े हैं। जैसे सोमनाथ का मंदिर है तो वहां सोमनाथ का शहर है, काशी का मंदिर है तो काशी का वो शहर जो बनारस आज कहलाता है। इस तरह से शिव मंदिर से के नाम से उस स्थान का नाम पड़ता था। ठीक इसी तरह कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर नाम का शिव का मंदिर है और उसी स्थानेश्वर से थानेसर नाम से जाना जाता था, तो कुरुक्षेत्र नाम नहीं था। फिर जब वो कलेक्टर आया तो उसको लगा कि नहीं, इसका नाम तो कुरुक्षेत्र होना चाहिए, इतना बड़ा युद्ध यहां हुआ। उसके बाद उसने उस स्थान का नाम चेंज किया, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र नाम रखा और फिर धीरे धीरे उसको डेवलप किया। एक छोटा सा जो गांव था उसके बदले आज वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसको ले आए, इतना बड़ा शहर बन गया। भावार्थ ये कि जहां इतना बड़ा ऐतिहासिक युद्ध हुआ और उसका नामो निशान नहीं, भारत के नक्शे पर 1947 तक उसका कोई नामो निशान ही नहीं है, बड़ी आश्चर्य की बात। और जब उसने डेवलप किया तो मन में ये विचार आया कि ये जो ऐतिहासिक स्थान बने हुए हैं क्या ये भी उन्होंने बनाए या ओरिजिनल थे, क्योंकि जब उसको बनाया गया तो नेचुरल है वो स्थान को भी, ताकि उसका इम्पोर्टेंस बढ़े, उस कारण से उसने उस स्थान को भी डेवलप किया, लोग आए और उसको देखे। खैर उस बात में तो हम नहीं गए, फिर उसके बाद जैसे आगे बढ़े। आज भी कहा जाता है कि वहां रेलवे स्टेशन पर दूसरी ओर थानेसर नाम ही अभी तक लिखा हुआ है। और फिर जो है मुझे लेके गए जहां युद्ध हुआ था, उस मैदान को दिखाने के लिए। उस स्थान को कहा जाता है ज्योतिसर, ज्योतिसर माना कि जहां गीता ज्ञान दिया गया और वो मैदान था। तो जब हम गए तो मैदान तो काफी छोटा था, काफी कम रेडियस में दिखाया गया है, लेकिन कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा मैदान था उस समय। वहां पर जहां एग्जैक्ट कहा जाता है कि गीता ज्ञान दिया गया, कि जब अर्जुन ने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता, और इसलिए ये रथ को जब बीच में ले गए तो जहां पर उसका मन विषाद में चला गया, उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। उस समय फिर भगवान ने उसकी बातें पहले सुनी कि क्यों युद्ध करना नहीं चाहता है, और फिर गीता ज्ञान दिया गया। उधर उस जगह पर वहां एक मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है और उस मॉन्यूमेंट को एक वृक्ष के नीचे रखा कि ये स्थान है जहां गीता उपदेश दिया गया था। भावार्थ ये कि उस स्थान को देखा कि भगवान गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं, और धीरे धीरे उसका विषाद दूर हुआ और उसका विवेक जागृत हुआ वहां, और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया।
अब जब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, उसने शस्त्र उठाया और कहा ठीक है, लेकिन जो विषाद उसके जीवन में आया, उस विषाद का कारण क्या था? तो आज तक हमें यही बताया जाता है कि उसने अपने चाचा मामा गुरु को देखा कि गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, जिसकी गोद में मैं खेला हूं। हमें यही बताया जाता है कि ये सब मेरे बुजुर्ग हैं, उनके साथ में मैं युद्ध कैसे करूं, और इसलिए उसने शस्त्र छोड़ दिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिन बड़ों ने बचपन से ही पांडवों के साथ अगर अन्याय किया हो, क्या उसके प्रति मोह कभी जागृत हो सकता है? आज आप अर्जुन की जगह खुद को अगर रखे एक पांडव के रूप में, और मान लो कि आपकी भी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, जहां आपके पिता चाचा सबके बच्चे हैं, और बचपन से ही आपके चाचा और चचेरे भाई आप लोगों के साथ अन्याय करते रहे, सब कुछ हड़पने की उसमें रहे, और उसके बावजूद भी बड़े घर में बैठे हुए भी कुछ बोले नहीं, एक स्त्री का अपमान हो रहा हो, उसके वस्त्र हरण हो रहे हैं, और उस समय भी कोई बड़े बोलने की हिम्मत न करे, क्या ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में मोह जागृत होगा? कभी नहीं हो सकता है। फिर अर्जुन के विषाद का कारण क्या था? तो जब उसने भगवान से कहा मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता, तो एक और कौरवों की सेना देखी, जो कहा जाता है 11 अक्षौणी थी, और दूसरी और पांडवों की सेना को देखा। और जब पांडवों की सेना देखी, उसने अपनी सेना देखी, तो उस समय उसे स्मृति में आया कि द्रौपदी ने भगवान से पूछा था कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो उस वक्त भगवान ने यही कहा कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे, विजयी होंगे, ये मेरी गारंटी है। तब द्रौपदी ने पूछा था मेरे पुत्र, तो क्या पुत्रों की गारंटी मैं नहीं ले सकता? और ये बात अर्जुन को मालूम थी, और इसीलिए जब उसने कौरव सेना देख करके अपनी सेना को देखा, तब उसे वो बात याद आ गई कि कौरव हमें नहीं मार सकेंगे क्योंकि भगवान ने गारंटी ली, लेकिन हमें दुख दर्द पहुंचाने के लिए वो हमारे बच्चों पर अटैक जरूर करेंगे। और अगर मेरे पुत्र ही इस युद्ध में समाप्त हो गए, हमारे बच्चे ही न रहे, तो उसके बाद उस राज्य को संभालने में क्या मुझे खुशी होगी? कहने का भावार्थ, अर्जुन का उस वक्त पुत्र मोह जागृत हुआ कि अगर मेरे बच्चे ही नहीं रहे, अगर इस युद्ध में मुझे अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ा, उसके बाद अगर मुझे राजगद्दी भी प्राप्त हो गई और उस गद्दी पर मैं बैठ भी गया, तो क्या उस गद्दी का सुख मुझे अनुभव होगा? और इसीलिए उसके हाथ पैर ढीले हो गए, और उसने सोचा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति को कोई कार्य न करना है, तो वो असली कारण न बता करके, कहीं उसकी कमजोरी स्पष्ट न हो जाए, उसके लिए वो दूसरे 10 बहाने दे सकता है। ठीक इसी तरह अर्जुन भी अलग अलग बहाने दे रहा था, इतने सारे को मार करके क्या मैं सुख से उसके बाद राज्य कर सकूंगा?
इतने सारे को मारने का क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? इतने सारे लोगों को मार करके क्या मैं खुशी से जीवन व्यतीत कर सकूंगा? ऐसे अनेक प्रकार के बहाने देने लगा पहले अध्याय के अंदर। अब सोचने की बात यह है कि युद्ध का मैदान है और अक्षौणी की सेना है। तो मैं इंटरनेट में ये सर्च कर रही थी कि एक अक्षौणी में कितने होते हैं, तो उस समय मुझे पता चला कि 18 अक्षौणी सैनिक थे, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 8 अक्षौणी पांडवों के तरफ। इस तरह से 8 अक्षौणी पांडवों के तरफ, तो 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ और 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ थे। अब उस समय जो हिसाब के लिए मापदंड लिया जाता है, तो कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती की इकाई निश्चित किया जाता है, एक पत्ती। और एक पत्ती में कितने लोग होते हैं? तो एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े सवार, इतने एक पत्ती में होते हैं। और एक पत्ती माना कितने अक्षौणी होते हैं? तो कहा जाता है एक पत्ती माना ही 21,000, एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बताऊं, एक अक्षौणी में कितने पत्ती होते हैं? तो 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 1,09,000, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतने ये एक अक्षौणी में थे। अब एक अक्षौणी में इतने हो तो 18 अक्षौणी में कितने होंगे? उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो देखा गया कि 18 अक्षौणी में 393,660 रथ थे, 393,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घोड़े सवार थे। इतने 18 अक्षौणी में थे। लेकिन अगर रथ पर 2 जने, एक रथ चलाने वाला, एक योद्धा, तो 2 हो गए। तो इस फिगर को अगर डबल किया जाए, हाथी पर भी एक हाथी को चलाने वाला महारथ और एक योद्धा बैठा हो, तो इस फिगर को भी डबल किया जाए, तो युद्ध में कितने थे? तो रथ के ऊपर 7,87,320 रथों पर थे, हाथियों पर 7,87,320 हाथियों पर थे, पैदल सैनिक 19,66,300 और घोड़े पर 11,80,980, विच टोटल्स टू 47,23,920, means अबाउट 50,00,000, जिसको आप 5 मिलियन कहो। इतने लोग उस समय युद्ध में थे, लेकिन लोग उससे ज्यादा थे। कितने थे? क्योंकि युद्ध में जो घायल हो जाते थे तो उसको तुरंत वहां से उठा करके उसको एक हॉस्पिटल जैसा बनाया था उन्होंने, वहां ले जाते थे ताकि उनको जड़ी बूटियों से ठीक किया जाए, दवाई की जाए उसकी और उसको बचाया जाए। अच्छा, इतनी लाशें जो गिरती थी तो लाशों को उठाने वाले भी थे ताकि वहां युद्ध करने में नहीं तो डिस्कम्फर्ट होगा,
बदबू आ जाएगी। वो लाशों को अगर नहीं उठाया तो लाशों को उठाने वाले भी थे। अच्छा, फिर कहा जाता है कि उस समय फ्लडलाइट्स तो थी नहीं, तो इसीलिए जो है जैसे ही सूर्यास्त अस्त हो जाता था तो युद्ध विराम हो जाता था, युद्ध समाप्त हो जाता था। तो युद्ध समाप्त हो जाता था, फिर हरेक अपने अपने जो शिविर होती थी उसमें चले जाते थे। तो पूरा एक गांव जैसे बनाया हुआ था जहां पर वो जाकर के विश्राम करते थे या भोजन खाते थे। अब आप सोचो 47 लाख लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे और उस भोजन बनाने वालों के स्टोर कितने होंगे। अनाज तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो भोजन खिला सकेंगे, बिना भोजन के तो फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इतने लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे, कोई जादू की छड़ी घुमा करके तो भोजन नहीं बनता था। तो इसीलिए इतने लोगों का भोजन बनाने वाले, परोसने वाले, खिलाने वाले भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। आज हमें अगर एक शादी के अंदर 100 लोगों को इकट्ठा करना है तो भी 100 लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होते, सब्जी काटने वाले, रोटी बनाने वाले कितने होने चाहिए स्टाफ। और इसीलिए कहा कि इतने अगर सारे लोग एक्स्ट्रा थे युद्ध के सैनिक के अलावा, फिर शस्त्र पहुंचाने वाले, कहा जाता है कि शस्त्र खत्म हो जाते थे तो भाई स्टोर से, एम्यूनेशन स्टोर से वहां से लेके आते थे। किसी की तलवार टूट जाती थी या गिर जाती थी तो उनके लिए तलवार दूसरी देने वाले, तो वो सारे लोग मिलकर के कितने होंगे। और उन सब चीजों को अगर गिनती किया जाए तो क्या आज की वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो होंगी वो नहीं होंगी। इसीलिए उसको भारत की लड़ाई नहीं कहा जाता, महाभारत। महाभारत कहां से कहां तक था, तो कहा जाता है कि उस समय अफगानिस्तान से लेकर के फार ईस्ट तक ये सारा महाभारत में आता था। आज भारत की पॉपुलेशन अगर 125 करोड़ है ना, तो ये कलयुग की ही पॉपुलेशन को बताता है कि कलयुग अंत में यानी आज से 5000 साल पूर्व जो भगवान ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने अर्थ इस संसार पर अवतरित होता। और जब जब ऐसी धर्म ग्लानी होगी तो 5000 साल के बाद आज पुनः क्या ऐसी धर्म ग्लानी का समय नहीं है। वो सारे कैरेक्टर्स जो दर्शाए गए, पांडव भी है, कौरव भी है, और कर्म क्षेत्र का ये मैदान, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र तो बहुत छोटा था, वहां इतने सैनिक, इतने लोग, इतने शिविर, सारा अकोमोडेट ही नहीं हो पाता है। भले लोग वहां के कहते हैं कि 84 कोस में वो था, 84 कोस माना, फिर भी इतने लोगों का खड़ा होना मुश्किल है। 50 लाख की पॉपुलेशन क्या होती है। अच्छा, उन सबके फैमिलीज भी तो होंगे, वो फैमिलीज भले गांव में रहते होंगे, उनके बच्चे होंगे गांव में रहते होंगे, लेकिन इतनी पॉपुलेशन अगर गिनती किया जाए तो आज की पॉपुलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसीलिए हर इंसान संघर्ष में जब है तो कभी कभी युद्ध करते करते निराश, उदास, हताश, स्ट्रेस्ड हो जाता है और डिप्रेशन में जाता है, जैसी अर्जुन की मनोस्थिति थी कि निराशा में डूबता जा रहा था। जब व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है, तभी तो वो मना करता है, आई डोंट वांट टू फाइट, मैं इस चीज को सामना नहीं कर सकता। जैसे पिछली बार भी हमने कहा था
कि कई लोग एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर लेते हैं कई बच्चे, और लास्ट मोमेंट ऐसे नर्वस और डिप्रेस्ड हो जाते हैं जो पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ करके वापस आ जाते हैं, कहते मैं नहीं दे सकता, या पहले से ही मना करने लगते हैं, आई थिंक आई वोंट बी एबल टू डू इट, आई वोंट बी एबल टू गो थ्रू, क्यों कहते हैं है? तो कुरुक्षेत्र खाली हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी वहां मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है जहां कांस्टेंट एक बैटल चल रही है, एक संघर्ष चल रहा है हमारे भीतर है, और ये युद्ध वास्तव में हमारे अंतर चेतना के अंदर चल रहा है, जहां आसुरी क्वालिटीज इविल्स भी है तो वर्चुअस भी है। कभी कभी व्यक्ति की अच्छाई, जैसे कोई व्यक्ति को कहा जाए कि तुमको ये गलत काम करना है, तो क्या कहते हैं, इट इज अगेंस्ट माई कॉन्शियस, मैं नहीं कर सकता। तो जब उसकी अच्छाई जागृत होती है तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता, और जब उसको फिर कोई ना कोई प्रकार से डराया जाता है नहीं करेगा तो ऐसा होगा, तो ही हैज टू गो अगेंस्ट हिज कॉन्शियस टू डू समथिंग रॉन्ग। या कभी कभी कोई बुरा व्यक्ति है जिसको कहा जाता है कि अच्छा इतना बुरा काम करना है तेरे को, और तैयार हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट उसकी अच्छाई जागृत हो जाती है। जैसे कई बार हम नहीं कहते, कई बच्चों को जैसे किडनैप किया जाता है, और बच्चे को किडनैप करके एक व्यक्ति है जो उस बच्चे को मारने के लिए जाता है, या कुछ भी उसको करने के लिए, उसके साथ बुरा करने के लिए जाता है, और अचानक वो बच्चा स्माइल कर देता है, और जैसे ही वो स्माइल आती कि वो व्यक्ति का दिल पिघलने लगता है, और उसको वो बच्चे के प्रति इतना प्यार आता है, उसको मन में विचार आता है कि इसको मैं छोड़ देता हूं, कहीं जंगल में छोड़ करके या कहीं और छोड़ करके चला जाता है, और उसको मारता नहीं है। तो हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है बुराई भी है, आसुरी क्वालिटीज भी है दैविक क्वालिटीज भी है, जो आज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, हमारी चेतना के भीतर है, और जहां इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, करूं न करूं, एक और मन कहता है करो, एक और कहता है नहीं करो, तो ये जो हमारे अंतर चेतना में युद्ध चल रहा है, तो इसीलिए कहा कि कर्म करने समय, इस कर्म क्षेत्र पर कई कर्म करते समय जब बुराई हावी हो जाती है तो व्यक्ति बुरा कर्म करने के लिए चला जाता है, और कभी कभी अच्छाई हावी हो जाती है तो वो अपने कॉन्शियस को अगेंस्ट जाकर के भी उसको करना पड़ता है कुछ चीजें। तो इसीलिए गीता के अंदर 700 श्लोक है, 18 अध्याय में बटे हुए हैं। पहला अध्याय जो है मानव की समस्याओं को दर्शाया हुआ, दूसरे अध्याय में मुख्य बिंदु उठाए गए हैं और उसके समाधान दिए हुए हैं, तीसरे अध्याय से लेकर के उस समाधान के विस्तार किए गए हैं, और समाधान के विस्तार के साथ साथ उसका मुख्य बिंदु उठाया गया है, और 18वें अध्याय में इसका सारांश दिया है। तो तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय में इस समाधानों का विस्तार किया गया है, और 18वें अध्याय में उसका सारांश दिया गया है, जो इस तरह से हम आगे देखते हैं। तो जो कहा सबसे पहले, पहला अध्याय जो अर्जुन का विषाद योग है। अब ये गीता ज्ञान वास्तव में जैसे अर्जुन और ईश्वर का एक संवाद है, ठीक इसी तरह जब हम भी ऐसे निराशा में, उदासी में डूब जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं, तो ऐसे समय पर किसके साथ बातचीत करते हैं, हे भगवान अब तू ही बचा,
अब तू ही मार्ग बता, अब तू ही मुझे गाइड कर, यही कहते हैं ना। तो ठीक इसी तरह ये गीता ज्ञान माना जीवन के अंदर एक मनुष्य का ईश्वर के साथ या आपका ईश्वर के साथ का एक संवाद है, एक कम्युनिकेशन है। क्योंकि हमने इस संसार को इतना जटिल बना दिया है और दूषित कर दिया है कि हम इससे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकता है, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चित कर ले कि वह कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये हमें अपने लक्ष्य को माना अपने एक फाइनल डेस्टिनेशन को क्लियर रखना होगा, मुझे वहां जाना है, पहुंचना है। तो गीता ज्ञान हमें वो मार्गदर्शन देता है कि उस बिंदु तक, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाता है। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम आगे देखें कि जीवन के अंदर जो अर्जुन का विषाद था, पहला कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान का दृश्य, इसके मुख्य दो पात्र है, स्वयं भगवान और अर्जुन, और जिसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वालों के, दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा हो गई। उसके पश्चात अर्जुन का ये हृदय निराशा में डूबने लगा, इस भय के कारण कि युद्ध में वह अपने पुत्र को, मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसे घृणित कार्य करने में उसको पाप लगेगा। तो जो कहा अलग अलग, वो बहाने देने लगा भगवान को कि क्यों मैं युद्ध करना नहीं चाहता, अपना असली कारण छुपा रहा था कि धृतराष्ट्र की तरह मुझे भी पुत्र मोह जागृत हो रहा है। तो भगवान उसकी बात सुन रहा है, उसके एक एक बहाने को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। पहले अध्याय में कहीं पर भी भगवान बोलते नहीं, अर्जुन अपने अलग अलग कारण बताए जा रहा है, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, इसीलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। वास्तव में देखा जाए तो यहां अर्जुन माना इच्छाओं और संबंधों की जाल में फंसा हुआ एक इंसान, एक व्यक्ति है, उसकी चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर भी जब गुण और अवगुण के बीच में ये युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है, और जब उसमें मन कभी कभी थक जाता है, हारने लगता है, तो आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, और तभी बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। खास करके जब जीवन के अंदर कोई व्यक्ति के जीवन में लंबी बीमारी चलती है तो थक जाता है लड़ते लड़ते अपने आप से, या अपने परिवार के अंदर खूब कलह क्लेश चल रहा है, उस कलह क्लेश से थक जाता है तो हार करके क्या करता है, आसुरी वृत्तियों के आगे अर्थात शराब पीने लगता है, बाहर चला जाता है, उसको घर पसंद नहीं आता है और सोचता है यहां से मैं कहीं भाग जाऊं, या जीवन में असफलता पर असफलता मिलने लगती है, या इतना तनाव बढ़ जाता है कि उस तनाव के कारण उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। तो जब इतना स्ट्रेस हो जाता है तभी भी क्या करता है, बुरी वृत्तियों के आगे हार जाता है और गिव अप करने लगता है, शराब पीने लगता है अर्थात बुराइयों में चला जाता है। तो बुराइयों में क्यों गया, बुराइयों में जाने का उसका कारण क्या था, बुराइयों में जाने का उसका कारण यही था कि जीवन के अंदर इन परिस्थितियों से वो अपने आप को भाग करके कहीं और ले जाना चाहता था। इसलिए तो ये अर्जुन की मनोदशा आज हर इंसान की मनोदशा है। इसलिए कहा कि जब ऐसी मनोदशा हर एक की हो जाए तब नेचुरल है गीता ज्ञान की भी आवश्यकता है। तब दूसरे अध्याय में सांख्य योग, सांख्य योग अर्थात जहां आत्मज्ञान
उसको कराता है। आत्मा की शाश्वतता, आत्मा एक अविनाशी सत्ता है, इस बात को भगवान स्पष्ट करते हैं। और दूसरे अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर दसवें श्लोक तक तो फिर भी अर्जुन के कायरता के विषय को लेकर के ही अर्जुन बोले जा रहा है। फिर ग्यारहवें श्लोक से लेकर के तीसवें श्लोक तक सांख्य योग का विषय कि शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा अनश्वर है, उस बात का ज्ञान कराए। उसके बाद 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक धर्म स्वधर्म के अनुसार भी स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया। फिर 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। इस तरह से दूसरा अध्याय में जब सबसे पहले अर्जुन फिर भी वर्णन कर रहा है, उसके बाद अपने आप को सरेंडर करता है। तो जब 10वें श्लोक के बाद अपने आप को सरेंडर कर देता है, अर्जुन भगवान से कहता है कि हे भगवान, अब मैं आपका शिष्य बन जाता हूं और मेरे दुख और विषाद को दूर करने का आप मुझे ज्ञान दो, गाइड करो, तो आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। तो इसी तरह से जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, आज दुनिया के अंदर भी ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले की तीन कैटेगरी होती है। ये गीता ज्ञान भी तीन लोग सुन रहे थे ऐसा बताया जाता है महाभारत के अंदर। एक तो भगवान ज्ञान सुना रहे थे अर्जुन को, तो एक अर्जुन सुन रहा था। फिर दूसरा धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मैं भी जानना चाहता हूं, तो कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने कहा अच्छा मैं तुझे दृष्टि प्रदान करता हूं, तू देख ले कि क्या हो रहा है युद्ध के मैदान। कहा नहीं, मैं देखना नहीं चाहता, मैं सुनूंगा, किसी और को ये दिव्य दृष्टि दो। तो कहा जाता संजय को दिया, जो उसका सारथी था, उसको ये दृष्टि प्रदान की। तो एक अर्जुन सुन रहा था, एक संजय सुन रहा था और एक धृतराष्ट्र सुन रहा था। तीन प्रकार के लोग आज दुनिया में भी गीता ज्ञान सुनते हैं, लेकिन एक होता है अर्जुन की तरह सुनने वाला, इसीलिए उसको अर्जुन कहा, जो अर्जन करता है, ग्रहण करता है। दूसरे प्रकार के लोग जो संजय की तरह थे, देख करके सुनाते हैं। आज कई लोग ऐसे भी होते हैं, यहां सुनेंगे दूसरे को सुनाएंगे, है ना। तो दुनिया के अंदर ऐसे भी प्रकार के लोग हैं, सुनेंगे और सुनाएंगे दूसरों को। अच्छा लगता है, संजय को हर एक बात अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके जीवन में अर्जित नहीं कर रहा था। और तीसरे प्रकार के लोग धृतराष्ट्र की तरह, सुनने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं। जब ये संजय ने सुनाया कि अर्जुन का आत्मविश्वास कम हो रहा है, उसके हाथ से गांडीव छूट रहा है, वो युद्ध करना नहीं चाहता है, तो धृतराष्ट्र खुश होता है, हाँ भाई नहीं करो तुम, चलो मैं तुझे 5 गांव दे, ना फिर भी पुत्र मोह, महत्वाकांक्षा,
इतनी ज्यादा है कि गीता ज्ञान का सही तरीके से अपने जीवन में मैं भी ग्रहण करूं, मैं भाग्यशाली हूं कि कम से कम मुझे सुनने को मिला, लेकिन ग्रहण नहीं करता है, उसके बाद भी दूसरा छोड़ दे युद्ध करना, ऐसा पुत्र मोह उसका जागृत हो रहा है। हमें ये देखना है हम किस प्रकार के सुनने वाले हैं, अर्जुन जैसे, संजय जैसे या धृतराष्ट्र जैसे। इसीलिए कहा गया कि जब अर्जुन के मन के अंदर ये विषाद था, थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। मन को सही दिशा में ले जाने वाली आवश्यक शक्ति का अभाव रहता है। आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय सत्ता उसको रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अर्जुन के मन में कई बार बीच बीच में भी बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हुए और इसी तरह से वो अपना मार्गदर्शन या अपना फोकस क्लियर करने के लिए वो प्रश्न पूछता जाता है। तो भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है और ये सत्य ज्ञान मिलता है कि तुम ये शरीर नहीं, आत्मा हो, देह से आत्मा भिन्न एक सूक्ष्म शक्ति है। ये ज्ञान उसको प्राप्त होता है और इस तरह से आगे फिर भगवान उसको जब ये ज्ञान देना चालू करते हैं तो सबसे पहले 11वें श्लोक में भगवान उसको कहता है, हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी ये तीनों कालों को स्पष्ट करता है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि कोई काल ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, माना पुनर्जन्म की बात आती है। कोई काल ऐसा नहीं था जब ये राजे लोग नहीं थे, और आगे भी ये सब रहेंगे तेरे साथ में। यानी आत्मा की अनश्वरता, कि आत्मा अविनाशी शक्ति है, कोई मरता नहीं है, हम सभी भिन्न भिन्न संबंधों में समय प्रति समय एक दूसरे के साथ ही है, सिर्फ चोला बदली करते हैं। इसीलिए जब कहा कृष्ण ने कि कोई काल ऐसा नहीं जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजे लोग नहीं थे, यहां श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे कि मैं भी था, तू भी था। यानी जो जन्म पुनर्जन्म लिया जा रहा है उसके अंदर तू भी था, मैं भी था, और ये राजे लोग भी थे, है ना। श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कर रहा है यहां पर, और आगे हम देखेंगे कि वो कहेगा कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। यहां दो व्यक्तित्व बोल रहे हैं ऐसा महसूस होता है। एक श्री कृष्ण बोल रहा है जो अनेक पुनर्जन्म में आता है, और दूसरा भगवान भी बोल रहा है, अर्थात कि जो भगवान अजन्मा है वो भी बोल रहा है। ये दोनों बात को समझना जरूरी है कि किस वक्त ये शास्त्रों के अंदर जो कई जगह पर मिक्सचैरिटीज जो हमें दिखाई देती है, ये स्पष्ट होता है कि कहीं कहीं ये दिखाया है श्री कृष्ण बोल रहा है जो पुनर्जन्म में आने वाला है, और कहीं कहीं उसी के माध्यम से परमात्मा बोल रहा है जो अजन्मा है। अब वो परमात्मा ज्ञान दे रहा है अर्जुन को पुनर्जन्म का, और फिर कहते हैं आगे, जैसे देह में
देहधारियों की अलग अलग अवस्था है, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा, ये तीन अवस्थाएं। इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। माना जैसे व्यक्ति आत्मा वही है लेकिन शरीर कैसे बदलता है कि बचपन से युवा होता है, युवा से बुजुर्ग होता है, तो कभी भी कोई इंसान, एक बच्चा है जब वो बुजुर्ग की ओर बढ़ता है या युवा अवस्था में जाता है तो कोई रोता नहीं है कि भाई ये बच्चा क्यों अभी युवा बन गया, बच्चा ही रहता था। नहीं, खुशी होती है कि चलो अभी वो यौवन अवस्था में चला गया। चाहे यौवन से बुढ़ापे की ओर जब जाता है तभी भी कोई दुखी नहीं होता है, खुशी होती है, अनुभवी हो रहा है। ठीक इसी तरह जब बूढ़ा हो जाता है, कुछ नहीं कर सकता, तो उसको दूसरी देह की प्राप्ति होती है, तो फिर वहां रोना क्यों? आत्मा विभिन्न स्टेजेस से परिवर्तित होकर के गुजरती है, लेकिन जब बच्चा युवा बना तब रोए नहीं, जब युवा वृद्ध बना तब ये रोए नहीं। तो वृद्ध जब बच्चा बनता है तो खुशी होनी चाहिए या रोना चाहिए? कितना सरल शब्द में भगवान ने गीता ज्ञान में आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा का नाश तो कहीं भी नहीं हो रहा है, फिर तुम क्यों इतना दुखी हो रहा है? ये भी एक परिवर्तित अवस्था है। और उसके बाद युद्ध के लिए विधि विधान बताते भगवान, और अर्जुन से कहते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। यानी लाइफ में ये भिन्नता आती रहती है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी मान है, कभी अपमान है। ये उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है ना। बहुत सुंदर एक बात अभी किसी से बात करते करते हो रही थी कुछ समय पहले ही, तो कहा कि जब हार्ट का कार्डियोग्राम निकालते हैं ना, तो हार्ट का कार्डियोग्राम कैसा होता है? ऐसा ऊपर नीचे होता है ना। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो डेड, ठीक है ना। ठीक इसी तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव ये कार्डियोग्राम, अर्थात आप जीवित है। अगर जीवन में भी स्ट्रेट लाइन आ जाए ना तो क्या होगा? डेड हो जाएंगे। इसीलिए भगवान जीवन के संघर्ष में ये उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर होता करता है कि हमारे अंदर टॉलरेंस की, एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी कितनी है। सुख दुख किससे प्राप्त होता है? साधनों से प्राप्त होता है। सर्दी गर्मी ये प्रकृति से प्राप्त होता है, और मान अपमान व्यक्तियों से प्राप्त होता है, है ना। तो जब ये अलग अलग जगह से प्राप्त हो रहा है, जब साधन सुख भी दे रहा है और कभी कभी बिगड़ जाते हैं तो दुख भी देता है, तो हम कंप्लेन नहीं करते हैं, हम उस साधन को ठीक करा देते हैं। करते हैं ना ऐसा? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दिन ऐसा आता है सब बिगड़ता है, जो भी करने जाता है बिगड़ जाता है, झगड़ा हो गया, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, तो मन मुटाव आ गया, तो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। सोचा चलो बाहर जाऊं, गाड़ी निकालने गया, गाड़ी खराब हो गई, और फ्रस्ट्रेशन आ गया, और उसी में सोचा चलो किसी से फोन पर बात कर लेता हूं, और फोन उठाया, फोन भी खराब हो गया। तो पहले किसको ठीक करेंगे?
फोन को ठीक करेंगे, गाड़ी को ठीक करेंगे, या घर में जो रिश्ता है उसको ठीक करेंगे। तीनों चीज एक साथ खराब हो गई है, तो पहले किसको ठीक करेंगे? सोचने की बात है ना? किसको टॉलरेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? मनुष्य हमेशा पहले फोन को ठीक करने का सोचता है, या गाड़ी को ठीक करने का सोचता है, साधन को ठीक करने का सोचता है, क्योंकि वो समझता है इसमें मेरी कैपेसिटी है। लेकिन रिश्ते को ठीक करने में उसका ईगो ऐसा बीच में आ जाता है, उसको ठीक करना नहीं सोचता है कि भाई घर में जो रिश्ता पहले खराब हुआ उसी को मैं पहले ठीक करूं। वो नहीं, पहले फोन ठीक करना है या पहले गाड़ी ठीक करवानी है, उसके पीछे चला जाएगा। पहले रिश्ता ठीक करें हम, तो साधनों से सुख मिलता है, कभी दुख मिल रहा है, उसमें स्वीकार कर लेते हैं और उसको ठीक करने में भी लग जाते हैं, हम कंप्लेन नहीं करते। अच्छा, प्रकृति, सर्दी गर्मी, हम कंप्लेन नहीं करते, आज बहुत बर्फ गिरी है, बहुत ठंडी है, गर्म कपड़ा पहन लो, हीटिंग चालू कर लो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है ना? या बहुत गर्मी लग रही है, एसी चालू कर लो, ठीक होकर के बैठ जाओ, नो कंप्लेंट्स। मान लो कि अगर कभी हीटर खराब, हीटिंग सिस्टम खराब हो गया, तो भी हम गर्म कपड़ा पहन करके अपने आप को, वी डोंट कंप्लेन, यार बहुत सर्दी है, ये कैसा मौसम है, वी डोंट कंप्लेन। प्रकृति है ना, हमारे बस में नहीं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से मान मिला तो खुश, लेकिन अपमान मिला तो कितने दुखी हो जाते, उसको ठीक करने का प्रयत्न नहीं करते। तो जो एक्सेप्टेंस की जो कैपेसिटी है, या सहन करने की जो कैपेसिटी है, वो हर एक इंसान के ऊपर निर्भर करती है, हर भारतवंशी पर निर्भर करती है। विषयों में वैसे भी, क्योंकि भारतवासी के जीवन के अंदर टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत अधिक मानी जाती है, तो इसीलिए कहा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। जहां ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वहां नेचुरल है कि सहन नहीं होता है, और फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसीलिए युद्ध का, जीवन के संघर्ष का नियम क्या है? जीवन का संघर्ष का नियम ये है, जो भगवान बता रहा है, अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करो। और खास करके इंसानों के साथ जहां ये होता है, वहां अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। फिर आगे बताते हैं कि भगवान कहेंगे, पहले वाली स्लाइड अभी पूरी नहीं होगी, तो इसीलिए आंतरिक कैपेसिटी को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है। फिर कहा विषयों में चित्त वृत्तियां, विषय, विषय किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट को नहीं। जैसे भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना में क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, बराबर। विषय किसको कहा? विकारों को, विकृतियों। तो भगवान युद्ध का विधि विधान बताता है, भगवान विधि विधान ये बताता है कि विषयों में चित्त वृत्ति, हमारा एटीट्यूड, उसी प्रकार विषय आकार बन जाता है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। अर्थात कि जैसे पानी का अपना आकार नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार के सांचे में डालो वो आकार ले लेता है। लोटे में डालो तो लोटे का आकार लेगा, मग में डालो तो मग का आकार लेगा, कप में डालो तो कप का आकार लेगा, पतेले में डालो तो पतेले का आकार लेगा। ऐसे हमारा एटीट्यूड जो है ना, उसकी अपनी कोई शेप नहीं है, अपनी कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के हम पात्र में उसको डालते हैं,
उसी प्रकार वो आकृति ले लेता है, अर्थात हमारा एटीट्यूड बनने लगता है। अगर बुराई के संग में ज्यादा रहे तो बुराई वाली आकृति ले लेता है, बुरा एटीट्यूड बनने लगता है। अगर अच्छाई के साथ ज्यादा रहे तो अच्छाई वाली एटीट्यूड हमारी बन जाती है। तो इसीलिए कहा विषयों में चित्त वृत्तियां इस प्रकार विषयाकार बन जाती है, जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा एटीट्यूड वैसा बनने लगता है। फिर भगवान स्पष्ट कह देता है दूसरे अध्याय के बिगिनिंग में, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। क्षेत्र माना द फील्ड और क्षेत्रज्ञ माना आत्मा। आत्मा जब ये कर्म क्षेत्र में आती है, इस फील्ड में आती है, तो उस फील्ड में उसको हर वक्त संघर्ष करना पड़ता है, और जिसमें आसुरी संपद को सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है। भावार्थी के जीवन के अंदर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहां आप के जीवन में इतना संघर्ष चल रहा है, लेकिन उसमें अगर नेगेटिविटी को अपना लिया गया तो नेचुरल है कि व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। लेकिन ऐसे समय पर नेगेटिविटी का शमन करना, माना उसको शांत करना जरूरी है। और जब नेगेटिविटी को शांत करता है इंसान तो क्या करेगा, तो उस समय परमात्मा में अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करना, स्थित करना। जब लाइफ में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, सूझता नहीं है, और उस समय आप नेगेटिव भी नहीं होना चाहते, नेगेटिव सोचना नहीं चाहते हैं, तो उसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट यही है, भगवान को याद करो, भगवान में अपने मन को एकाग्र करो, अपने चित्त वृत्तियों को नेगेटिव होने के बजाय, वो पात्र में डालने के बजाय आप ईश्वर में अपने ध्यान को एकाग्र करो। क्योंकि भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला, समान समझने वाला धीर पुरुष, पुरुष कौन है? आत्मा। इसलिए कहते नहीं, संसार का खेल पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति के, आत्मा कंफ्यूज्ड है, आत्मा संघर्ष में है, तो परमात्मा को याद करो और अपनी प्रकृति यानी अपनी नेचर को ठीक करो। तो इसीलिए कहा अपने, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष आत्मा इंद्रिय और विषयों के संयोग में व्यथित नहीं कर पाती। इंद्रिया और जो विषय है, विकार है, बुराई है, वो उसको विचलित न कर दे, उसके लिए परमात्मा में एकाग्र करो। तो आत्मा जब परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ देती है तो नेगेटिव होने से वो बच जाती है, अर्थात उसमें बैलेंस रख सकती है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड उसका। इसीलिए आप देखेंगे गीता का हर चैप्टर योग है, योग कहा हुआ है, विषाद योग। इसी तरह सांख्य योग है ना, हर चैप्टर योग है। योग इसलिए कहा कि स्मृति दिलाता है कि जहां आपको कंफ्यूजन फ्रस्ट्रेशन लाइफ में आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, उस समय आप अपने मन को एक बैलेंस स्टेट में ले आओ, और बैलेंस स्टेट में ला करके ईश्वर में लगाओ, और ईश्वर में लगा करके वो नेगेटिविटी को शांत रखो। अधिकतर कर्मेंद्रिया मन को विचलित करती है, इसीलिए कर्मेंद्रिय को अधिकारी नहीं बनाओ कि जो हमारे ऊपर कंट्रोल लेना शुरू करे। जब इस तरह से एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, नेगेटिव होने के बजाय बैलेंस में रहो, मानो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं बनो, बैलेंस स्टेट में तो रह सकते हैं, है ना। लेकिन अक्सर मनुष्य क्या करता है, नेगेटिव की ओर बहुत जल्दी झुक जाता है और नेगेटिविटी को अपना लेता है, उस सांचे को अपना लेता है।
और जब वो सांचा अपना लिया तो नेचुरल है हमारी चित्त वृत्तियां तो फिर नेगेटिव बनेगी और सारी एनर्जी, आत्मा की जो एनर्जी है वो ड्रेन होने लगती है। अगर बैलेंस स्टेट में रहा तो वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, अमृत उसको प्राप्त होता है। इसीलिए उसको बहुत आवश्यकता है कि बैलेंस स्टेट में रहे तो जीवन के अंदर वो अपने आप को बचा सकता है। तो ये जीवन के संघर्ष का विधि विधान है। इस विधि विधान को समझना है कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, स्ट्रगल्स होगी, लेकिन उसका विधान क्या है कि हम नेगेटिविटी का पात्र मन को न दे। अगर मन बहुत विचलित हो रहा है तो परमात्मा में लगाओ, अगर परमात्मा में भी नहीं लगता है तो एक बैलेंस स्टेट में रहो, तो भी आपको उसमें से ही अमृत प्राप्त होगा। ये भगवान ने आरंभ में ही, सेकंड अध्याय के आरंभ में ही ये बात कही, और उसके बाद आगे भगवान आत्मज्ञान को और अच्छी तरह से देते हैं कि ये शरीर एक कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार के रूप में उगते हैं। इंटरनल नेचर हमारी प्रकृति बन जाती है। 10 इंद्रिया ये क्षेत्र का विस्तार है। 10 इंद्रिया मनुष्य की जो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 10 इंद्रियों का ये विस्तार है, ये क्षेत्र का फील्ड ऑफ एक्शन ये जिसका ये विस्तार है, और उसमें प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुण हर इंसान के सामने, ये 3 ऑप्शन जरूर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कौन सी नेचर को मुझे अडॉप्ट करना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए इसको कर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि एक क्षण भी वो कर्म के बिना नहीं रह सकता है, उसको कर्म करना ही है। इसीलिए जब ये नेगेटिव हो जाता है, अगर तामसिक प्रकृति को अपना ले, उस नेचर को अडॉप्ट कर ले, तो वो कुरुक्षेत्र माना बस लड़ाई चलेगी। अगर वो अच्छाई को अपना लेता है तो धर्म क्षेत्र हो गया। इसीलिए गीता के बिगिनिंग में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, तो मुझे सुनाओ। फर्स्ट श्लोक यही आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अगर वो कुरुक्षेत्र का मैदान था तो उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि पांडव जो थे धर्म क्षेत्र में थे, पॉजिटिविटी को अपनाए हुए थे, और कौरव जो थे वो नेगेटिविटी तामसिक गुण वाले थे, इसीलिए वो कुरुक्षेत्र में थे। तो कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि जब व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष हो तो उस समय धर्म क्या कहता है उसको वो ध्यान में रखे, अर्थात जो अच्छाइयां है, वैल्यूज है, उसको मुझे अडॉप्ट करना है इस लाइफ के संघर्ष, तो शायद मेरा जीवन का संघर्ष भी सरल हो जाएगा। इसलिए उसको धर्म क्षेत्र का, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो मनुष्य ये 3 प्रकृति के गुणों से विवश होकर कर्म करते हैं, या सात्विक प्रकृति से करेंगे, या राजसिक प्रकृति से करेंगे, या तामसिक प्रकृति से करेंगे। मुझे क्या बनना है, मुझे अपने जीवन को धर्म क्षेत्र बनाना है, कुरुक्षेत्र नहीं बनाना है। और इसीलिए जब धृतराष्ट्र ने संजय से ये कहा
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है मुझे बता। अब जॉइंट फैमिली थी, आज से 50 साल पहले भी तेरे मेरे का भाव नहीं था। इसीलिए 3 प्रकार की प्रकृति बताते हैं। एक है जो दैवी प्रकृति। दैवी प्रकृति क्या कहती है? न कुछ मेरा न कुछ तेरा, सब उसका। मनुष्य प्रवृत्ति क्या, प्रकृति क्या कहती है? मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। तेरा तू देख ले, मेरा मैं देख लूंगा, ये मनुष्य प्रकृति है। लेकिन दानवी प्रकृति क्या कहती है? मेरा तो मेरा, लेकिन तेरा भी मेरा, ये दानवी प्रकृति है। तो हमें कौन सी प्रकृति में रहना है? दैवी प्रकृति में। न कुछ मेरा न कुछ तेरा, सब उसी का। तो ये 3 प्रकार के नेचर बताए गए कि जीवन के संघर्ष में जब हम दैवी प्रकृति उस नेचर को अपनाते हैं तो हम साक्षी होकर के हर दृश्य को देख सकेंगे, एज अ साइड सीन उसको देख सकेंगे। लेकिन अगर दानवी प्रकृति को अपनाया कि मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, आज की दुनिया में भी कई बच्चों को देखते हैं, अभी से कहते हैं ना कि पुत्र के लक्षण पालने से आ जाते हैं, पालने में से ही मालूम पड़ते हैं। कई बच्चों को आप देखेंगे, मान लो कि कोई विजिटर्स आते हैं हमारे घर में, या हम अपने बच्चे को लेकर कहीं जाते हैं और उसको वो खिलौना देते हैं खेलने के लिए, अगर वो दूसरे का बच्चा भी आया है वहां, माँ बाप कहते हैं बेटा उसको भी खेलने दे, उसको भी, वो तेरा भी है उसका भी है, दोनों मिलके खेलो। वो क्या कहेगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं देना है, अपना कुछ भी नहीं देना है, सारा कुछ अपना हाथ ऐसे बना करके बैठ जाते। दिखाई देता है कि कौन सी प्रकृति है ना। तो कहने का भावार्थ यही है कि न कुछ मेरा न कुछ। और कई बच्चे ऐसे होते बहुत सरलता से, हाँ तू भी ले ले, ये भी खेलो ये भी खेलो ये भी खेलो, ये बताता है दैवी प्रकृति है। सब कुछ देने की वृत्ति, ये देवतापने के लक्षण, और सब कुछ मुझे ही चाहिए, नहीं देना है किसी को। और अगर किसी ने एक चीज भी उसकी दे करके दूसरे बच्चे को दिया तो रोना शुरू कर देता है। देखे है ना, ये प्रकृति अलग अलग दिखाई देती है। तो इसी तरह से हमें बच्चों में भी अभी से ही वो दैवी प्रकृति के संस्कार डालने हैं। ये नहीं, माँ बाप कई बार खुश होते वो कभी देगा नहीं, अपनी चीज भी नहीं देगा किसी को, माना उस चीज को मोटिवेट कर रहे, बढ़ावा दे रहे, अरे बच्चे को ये सिखाओ, शेयर करो शेयर करो। और जितना वो शेयर करते जाएंगे तो नेचुरल है खुशी होगी। ये सिखाना होता है। इसीलिए गीता ज्ञान हमें ये दैवी प्रकृति, तो पुरुष परम पुरुष और प्रकृति, ये तीनों के बीच का जो खेल है उसका स्पष्ट ज्ञान देता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तीनों प्रकृति को देखते हुए ये कहते हैं, देखो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये अविनाशी शाश्वत और आदि युगीन है, माना अनादि है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है। अगर शरीर का वध हो गया तो उसमें आत्मा मर जाएगी ऐसा नहीं कहे। प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए चित्र में बहुत स्पष्ट दिखाया है जो कहा भगवान ने कि ना अग्नि उसको जला सकती है, ना तलवार उसको काट सकती है, ना पानी उसको भिगो सकती है, ना हवा उसको सुखा सकती है। इट इज बियॉन्ड द 5 elements ऑफ नेचर। वो 5 तत्व उसको कोई भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान क्या चीज पहुंचाती उस बात को भी स्पष्ट करते कि गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है, उसकी आभा बढ़ती है ना, उसका ऑरा बढ़ता है,
और विकारों के द्वारा उसका ऑरा कम हो जाता है। अगर बुराइयों के आधार पर जीवन जीना चालू किया तो ऑरा कम हो जाता है। फिर कहा सांसारिक बंधनों में फंसकर यह कमजोर होता है। जितना हम अपने आप को अनेक प्रकार के बंधनों में बांधते जाएंगे, मेरे का बंधन, मैं और मेरा, ये बंधन में बांधने वाला है, तो जितना इस मैं और मेरे के बंधन में बांधते जाएंगे उतना आत्मा कमजोर होती जाती है। जितना उसमें फंसते जाते हैं उतना कमजोर होते जाते हैं। जबकि सांसारिक बंधनों से जब मुक्त रहते हैं तो आत्मा शक्तिशाली हो जाती है। कितना सुंदर ये गीता ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि आत्मा के ऊपर 5 elements ऑफ नेचर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसको इफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन इफेक्ट क्या करता है? गुण और अवगुण, या गुण या विकार, विकृति। जो पॉजिटिव है वो उसकी प्रभा को बढ़ाता है, अर्थात उसका ऑरा विकसित होता है, और नेगेटिविटीज जो विकार है वो उस ऑरा को क्षीण कर देता है। और जब नेगेटिव ऑरा विकसित होता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसमें हम फंस जाते हैं, अपने ही एक जाल में फंस जाते हैं। जैसे एक वेब होता है, जैसे कहा जाता है कि मकड़ी एक वेब को बुनती है और उसी में फंस के मर जाती है, है ना? ठीक इसी तरह हमने भी हमारा इतना बड़ा संसार का एक वेब जो बनाया है, लेकिन अगर हमने अपने ऑरा को विकसित नहीं किया, पॉजिटिव ऑरा को, तो उसी में फंस करके मरना स्वाभाविक है। लेकिन पॉजिटिविटी को इंक्रीज करें, अपने ऑरा को बढ़ाएं, जितना हमारा ऑरा बढ़ेगा उतना हम मुक्त रह सकेंगे, जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव कर सकेंगे, ये स्वाभाविक है। फिर आगे भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र को त्याग करता है, ऐसे आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुराने वस्त्र को भी त्याग करती है। यह एक शाश्वत नियम है कि जिसने शरीर को धारण किया है उसे यह शरीर छोड़ना भी पड़ता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं। तो आत्मा के शाश्वत पने का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया कि यह वस्त्र बदली करने जैसा है। इसलिए उसका जो बार बार मोह जागृत हो रहा था, उस मोह से उसका मन दूर रहे, ये बात उसको समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि तभी हमारी इंटरनल प्रकृति, हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड हमारे कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो आज यहां तक ही, आगे फिर आत्मा के स्वधर्म की बात आती है, उसको आगे देखेंगे, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और जैसे जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं उस मेडिटेशन में आप भी उस विजुअलाइजेशन के साथ अपने मन को उस दिशा में ले चले। तो कुछ क्षण के लिए मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति हूं, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं।
मैं आत्मा इस देह के कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध सात्विक प्रकृति की शक्ति से भरपूर मैं आत्मा शाश्वत प्रकृति के पांचों तत्व मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। गुण और अवगुण मुझ आत्मा की पात्रता को विकसित करते हैं। सात्विक प्रकृति को अपनाते हुए मैं अपनी पात्रता को सकारात्मक बनाती हूं। जिससे इस जीवन के संघर्ष में मेरी आंतरिक कैपेसिटी को बढ़ा सकती हूं। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये जीवन के उतार चढ़ाव है। सात्विक प्रकृति के आधार से इस जीवन के संघर्ष में मैं विजयी आत्मा हूं। जीवन का आधार, गीता का सार, मैं अपने जीवन को धर्म क्षेत्र बनाऊं। जिससे जीवन के उस लक्षित बिंदु तक पहुंचना सहज हो जाए। साथ ही साथ परमात्मा में मन को एकाग्र करते हुए मैं आत्मा सशक्त होती जाए।
मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में गुण स्वरूप और इन गुणों के आधार पर हर संघर्ष में सफलता मूर्त बनना। हर समस्या में समाधान स्वरूप बनना। विषाद से विवेक की ओर जाना यही यात्रा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति निरकार शिव